ये बाइक पर आ रही बाइक ये भाभी साइड हट गई। दाऊते तूफान का असर आज मुंब्रा शहर में भी देखने को मिला है। कहीं पेड़ गिर गया तो कहीं नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया तो कहीं बाइक बहती हुई नजर आई। नालों में कचरा भरा होने की वजह से बारिश का पानी नालों से ऊपर रोड पर आकर बहने लगा और नाले की साफ सफाई ना होने से नाराज एनसीपी युवती ठाणे शहर अध्यक्ष पल्लवी ने अभिषेक कंस्ट्रक्शन की, जिसका साफ सफाई का जिम्मा है उसकी ऑफिस पर नाले से बहता हुआ कचरा ले जाकर डाल दिया। ताऊते तूफान की वजह से तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास आज शाम के वक्त दो पेड़ गिर गए। हालांकि ये दोनों पेड़ गिरने की वजह से किसी को चोट लगने की खबर नहीं है। वही मुंब्रा शहर में बारिश की वजह से जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे पहले हम आपको शैलेश नगर की ये तस्वीरें दिखाते हैं। काले रंग का ये गंदा पानी अपने साथ कचरों का अंबार लिए नाला भरा होने की वजह से रोड पर बह रहा है। इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं मुंब्रा के अंबेडकर नगर की, जहां पहाड़ की तरफ से नाले में बारिश का पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि कई घरों में कचरों के साथ ये पानी घुस गया तो कई दोपहिया गाड़ियों को भी अपने साथ कचरों के साथ ये पानी अंबेडकर नगर के मैदान में बहता हुआ आकर रुका है। स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी भी देखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये मुंब्रा शहर के अंबेडकर नगर की हैं। नाले से बहने के बजाय बारिश का पानी चालियों में कचरों के साथ बहते हुए मैदान तक पहुँच गया है। पूरे एरिए में इसी तरह से कचरों का अंबार लगा हुआ है। जिस तरह से नाले से बहता हुआ ये गंदा पानी और कचरों का अंबार लगा हुआ है, इससे बीमारी भी फैलने का खतरा अब बढ़ गया है। वहीं पल्लवी और परवीन ने बताया है कि नालों की साफ सफाई ना होने की वजह से ऐसी हालत हो गई है और इसी वजह से शहर में कचरा उठाने और साफ सफाई का जिम्मा अभिषेक कंस्ट्रक्शन की है और साफ सफाई ना होने की वजह से अभिषेक कंस्ट्रक्शन के ऑफिस पर नाले का कचरा आज फेंका गया। दरअसल पल्लवी और परवीन ने बताया कि ये कचरा ऑफिस में फेंकने के लिए वो लाए थे, लेकिन ऑफिस बंद होने की वजह से ऑफिस के बाहर ही कचरे का अंबार लगा दिया गया है। एनसीपी की युवती ठाणे शहर अध्यक्ष पल्लवी शिव जगताप और परवीन पवार ने क्या कुछ कहा है सुनिए। ये बाइक पर आ रही बाइक ये भाभी साइड हट गई। आज आप लोगों ने जो यहाँ के ऑफिस पर कचरा लाकर फेंका, खूब फेंका, क्या वजह क्या? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर में जो इस कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हालत हो गई है लोगों की, उसका रिटर्न गिफ्ट इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आज बारिश हुई है, ये तूफान की बारिश की वजह से
पूरा अंबेडकर नगर मैदान कचरे से भर चुका है, लोगों के घर में पानी जा चुका है। पिछले 15 दिनों से वहाँ के नगर सेविका सुनीता साथी से उन ठेकेदारों को फोन कर रहे हैं, उनके पीछे लगे हैं कि आप साफ सफाई चालू कीजिए, नाले सफाई जल्द से जल्द शुरू कीजिए, बारिश हो सकती है, ऊपर से कोरोना का माहौल है। लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाए और आज कल करते करते आज आखिरकार बारिश आ गई और आज उसका नतीजा आप देख सकते हो कि पूरा मैदान कचरे से भरा हुआ है। कचरे से इतना बारिश का पानी और कचरा मैदान में कैसे आया? नाला उधर का भरा हुआ है और फिर कैसे आया? ये हालत पूरे मुंब्रा में पूरे थाना में है। इन्हें शुरुआत ऊपर से करनी चाहिए थी, नाला साफ करने की शुरुआत करने की बजाय ये लोग बारिश के लिए रुकते हैं और बारिश आती है तो ना कचरा जो है कचरे से भरा हुआ। हाँ, कचरे से भरा हुआ था ये। हालांकि इन्हें बहुत पहले शुरुआत नाले की करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग बारिश के लिए रुकते हैं और जैसे बारिश आएगी कचरा बह जाएगा तो खुद का काम आसान करने के इसी तरीके है। लेकिन इन तरीकों की वजह से आज लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। लोगों की गाड़ियाँ बह गई हैं, घरों का सामान बह रहा है। भानुशाली ठेकेदार को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा अम्बेडकर नगर में हादसा हुआ है, पूरा कचरा नाले का बह के लोगों के घरों में आया हुआ है, मैदान अम्बेडकर नगर मैदान परिसर में पूरा भरा हुआ है। ये भानुशाली फोन उठाते हैं, बोलते हैं मैं आदमी भेज रहा हूँ, ये आदमी आ रहा है, वो आदमी आ रहा है, कोई आदमी उधर पहुँचता नहीं है। सन्मान्य पल्लवी साई, मेरी जो बहन है और हमारे कई साथी, हम लोग खुद वहाँ पे गए और राजू भानुशाली ठेकेदार उधर खुद मौजूद थे, उनके पास कोई आदमी नहीं था, लोगों का खुद बढ़ रहा था, तो हम लोग ने खुद पावड़ा लेके उधर लोगों के राहत के लिए पावड़े से हम लोग ने कचरा खींचा है, क्योंकि हमको हमारे लोगों की अहमियत है, हमको पता है हमारे लोग कितना, जैसे कोरोना महामारी में अगर ऐसा कचरा फैलाएगा तो लोग कोरोना से बाद में ऐसी ये कचरे की महामारी से जल्दी मर जाएंगे, तो हमको हमारे लोगों की फिक्र है, इसके लिए हमने ठेकेदार है, ये कोई काम नहीं किया है। जो कॉन्ट्रेक्टर है, क्या नाम है? और संदीप भानुशाली और राजू भानुशाली का और भानुशाली का अभिषेक कंस्ट्रक्शन का हम लोग निषेध करते हैं, इसके लिए हम लोग ने ये पूरा कचरा यहाँ पे लाके डाला है, क्योंकि हमारे लोगों के दरवाजे में अगर कचरा है, घरों में अगर कचरा है, तो तुमको भी तुम्हारे घर में और तुम्हारे दरवाजे से भी कचरा रहेगा।